Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the entrance exam. तो चूँकि अभी तो कोरोना के टाइम चल रहा है तो एग्ज़ाम्स वगैरह हो नहीं रहे हैं, लेकिन आपका आगे इंट्रेंस आने वाला है, तो चाहे वो BHU के हों, चाहे UP कॉलेज हों, या चाहे अदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कहीं के भी, अगर आपको इंट्रेंस देने हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई ठीक नहीं है वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन इंट्रेंस तो आपको देना ही है आगे जिस भी स्तर पे आपको करना है, चाहे आप इंटर में हो तो BSc के लिए है, या फिर BSc में है तो MSc वगैरह के लिए, चाहे BEd की प्रिपरेशन हो या कोई भी जो भी इंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड हम बात करना चाह रहे हैं कि उसकी प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलेगा, पता नहीं एग्ज़ाम का क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सारे सिलेबस वगैरह एक बार देख के नेट से उसको आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए तो हम लोग मिल के उसको कराते हैं अपने यहाँ से, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो UG का हो या PG का हो। जैसे UG से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम हैं, UG में आपका आता है BSc, अब उस BSc में मैथ ग्रुप भी है और उसके साथ साथ बायो ग्रुप, मैथ और बायो आप दोनों ही तैयारी कर सकते हैं। या PG लेवल पर बात करें तो आपका MSc एनी सब्जेक्ट, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, या आप जूलॉजी ले लें या बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट को आप तैयारी कर सकते हो। या फिर BEd लेवल की बात करें तो BEd आपका दो तरीके से होता है, आप UP BEd भी भरे होंगे या फिर BHU एंट्रेंस वगैरह भी भरे होंगे। तो एक तो जो BHU का BEd होता है, BHU BEd, उसकी तैयारी थोड़ी दूसरे तरीके की होती है, उसका सिलेबस पैटर्न सब अलग होता है। एक होता है UP BEd, UP तो BHU के फॉर्म तो उतने आए नहीं हैं, लेकिन अदर चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे अपने UP का फॉर्म भर चुका है, आप लोग भर चुके हैं, तो इसकी तैयारी में क्या करना है ये सारी चीज़ें विधिवत बताई जाएंगी। तो इसको आप धीरे धीरे करना शुरू करें तो बेहतर होगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज हम लोग नहीं रखे हैं। UG के कोर्सेज जितने भी हैं उनके लिए ओनली 1000 पूरे कोर्स के लिए है, जो भी आपका सिलेबस होगा इसमें वो पूरा कराया जाएगा। और जैसे UG लेवल के लिए UG तो ये जो चार्ज है ये पर सब्जेक्ट 1000 पर सब्जेक्ट, जैसे आपका BSc में आता है 3 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो PMC हो या फिर BZC हो, इस तरह से। और उसी तरीके से अगर हम इधर की बात करें PG लेवल पे, तो PG लेवल पे आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। MSc के लिए आपका चार्जेस होगा 2500 पर सब्जेक्ट, ये आपके एग्ज़ाम से पहले तक की पूरी तैयारी उसमें रहेगी, सारी चीज़ें जिस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, जैसे भी इस कोरोना के दौर में जिस हिसाब से भी डिसाइड होगा उस तरीके से आपको कराया जाएगा पूरा उसका होल कोर्स, जो भी सिलेबस होगा उसका। उसी तरीके से BEd के लिए भी है 2000 दोनों कोर्सेज, चाहे आप BHU को करना चाहें चाहे UP वाले BEd को करें, तो पर सेक्शन 2000। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आपका UP BEd की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और आप अगर गवर्नमेंटेड निकाल पाते हैं तो बहुत आपकी फ़ीस बच सकती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन से, या जैसे भी अगर आपको ठीक लगे तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो इन सभी कोर्सेज के लिए UG के लिए पर सब्जेक्ट 1000 एंड PG 2500 एंड UP BEd करें, या फिर आप BHU BEd के थ्रू प्रिपरेशन करें, दोनों के चार्जेस सेम हैं 2000। तो टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि ऐसा टाइम कभी मिलेगा नहीं, ये इत्तेफाक से मिला है जो इतने अच्छे से मिल गया है, नहीं तो अदरवाइज़ तो कभी मिलता ही नहीं है। थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देते देते इंट्रेंस आ जाते हैं,
या इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो बीएससी वगैरह के इंट्रेंस आ जाते हैं। ये पहली बार है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अच्छे से टाइम पा रहे हैं अपने कोर्सेज़ के लिए भी और आगे के लिए भी सोच सकते हैं, और आप अपने एग्ज़ाम को लेके केवल बैठे रहेंगे तो फिर आगे का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि हमें आगे प्रिपरेशन क्या करना है, आगे एडमिशन कहाँ लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप तो ध्यान में रखिए, जो भी आप फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं उसके लिए आप कोर्सेस को करिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड तो जो नीचे नंबर है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। माय चैनल।